वेलकम टू सोशल। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत ही चेंजिंग फेज में है। जो एक्टर्स एक टाइम पर सिर्फ अपनी प्रेजेंस की वजह से फिल्म्स को हिट करा पाते थे, वो आज अपनी फिल्म्स को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 8 एक्टर्स के बारे में बताने जा रहे हैं हु डेस्परेटली नीड अ हिट टू रिवाइव देयर करियर्स। मेरे बारे में इतना मत सोचना, दिल में आता हूं, समझ में नहीं। नंबर 8, आयुष्मान खुराना। बिफोर द पैंडेमिक आयुष्मान खुराना वॉज ऑन अ रोल। वो जो भी फिल्म कर रहे थे इट वॉज गेटिंग अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम द ऑडियंस। हाउएवर पैंडेमिक के बाद से उनकी कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। देर आर नो क्वेश्चंस ओवर द क्वालिटी ऑफ दीज फिल्म्स एज बोथ डॉक्टर जी एंड एन एक्शन हीरो वर सॉलिड फिल्म्स। बट यू विल अग्री कि कहीं ना कहीं उनका ऑडियंस से कनेक्ट टूट गया है। इसी वजह से उनकी नेक्स्ट फिल्म ड्रीम गर्ल 2 उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। गलत जगह पॉज लेके डराया ना करो, डायरेक्टली नहीं बोल सकते क्या बेटा? पूजा तो करनी है। नंबर 7, अर्जुन कपूर। अर्जुन कपूर का एक्टिंग करियर अलग अलग फेजेस से निकला है, जहां उन्होंने काफी हिट्स और बॉक्स ऑफिस फेलियर्स देखे हैं। लेकिन उनकी लास्ट कुछ फिल्म्स जैसे कि एक विलन रिटर्न्स, भूत पुलिस और कुत्ते फ्लॉप होने की वजह से ही इज लुकिंग फॉर वन फिल्म विच चेंजेस थिंग्स फॉर हिम। इसी वजह से उनकी नेक्स्ट फिल्म द लेडी किलर से काफी होप्स अटैच्ड हैं। और छोड़ मेरा हरामजादे। हरामजादे नहीं, इशकजादे। नंबर 6, राजकुमार राव। रीसेंट फ्यू ईयर्स हैवन्ट बीन गुड फॉर राजकुमार राव, जहां एक टाइम पर उन्होंने बैक टू बैक हिट्स जैसे कि बरेली की बर्फी और स्त्री के साथ अपनी एक अलग जगह बनाई थी, वहीं आज ही इज गोइंग थ्रू अ रफ पैच। नो डाउट ही इज डूइंग सम ग्रेट फिल्म्स लाइक बधाई दो एंड भीड़, बट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड ये दोनों ही फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर फेलियर रही हैं। इसी वजह से ही टू इज लुकिंग फॉर दैट वन बिग फिल्म। And we feel Stree 2 can be that film for him. Aapka kya opinion hai iske baare mein? What do you think about the recent films done by him? Do let us know in the comment section. Kya tumhara haath pakda aur boli Bikki please. Bikki please. Bhai to keh rahe hain Bikki please. Tumhara nana prem bhavi nahi hai. Haath lao. Bikki please. Number 5, Ranveer Singh. It is commonly said in the trade circle ki Ranveer Singh jab bhi screen par aate hain तो वो अच्छी स्टोरी और एंटरटेनमेंट की गारंटी लेकर आते हैं। उनकी इसी क्वालिटी की वजह से उनकी फिल्म्स अच्छे रिव्यूज और बॉक्स ऑफिस नंबर्स दोनों अचीव कर पाती हैं। लेकिन उनकी लास्ट 3 फिल्म्स 83, जयेश भाई जोरदार और सर्कस इस फॉर्मूला को रिपीट नहीं कर पाई। हाउएवर हिज अपकमिंग फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी उनके लिए गेम चेंजर हो सकती है। दिस फिल्म इज डायरेक्टेड बाय करण जौहर और इसी की वजह से फिल्म से लोगों को और भी एक्सपेक्टेशंस हैं। कौन है? औकात क्या तेरा? कोई दूसरा मेरे को बताएगा मैं कौन है? क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा? नंबर 4, प्रभास। बाहुबली सीरीज की सक्सेस के बाद प्रभास एक बड़े पैन इंडिया स्टार बन गए हैं, इसीलिए उनकी हर फिल्म के साथ ऑडियंस को बहुत एक्सपेक्टेशंस होती है। हाउएवर उनकी लास्ट 2 फिल्म्स साहू और राधे श्याम वो बाहुबली वाला मैजिक रिक्रिएट नहीं कर पाई, इसीलिए उनकी नेक्स्ट फिल्म्स लाइक आदि पुरुष और सलार उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। व्हाट डू यू थिंक, व्हिच फिल्म विल फाइनली प्रूव टू बी अ कमबैक फॉर हिम, आदि पुरुष और सलार? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। आ रहा हूं अधर्म का विध्वंस करने। नंबर 3, आमिर खान। आमिर खान बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड सेट करने के लिए फेमस हैं। यही नहीं, उन्होंने हमेशा से ही बॉक्स ऑफिस और क्रिटिकल एक्लेम के बीच के बहुत ही एफिशिएंट बैलेंस को बनाकर रखा है। लेकिन उनकी लास्ट 2 रिलीजेस ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और लाल सिंह चड्ढा ऑडियंस को अट्रैक्ट करने में फेल रही हैं। इनफैक्ट लाल सिंह चड्ढा के फेलियर ने तो उन्हें इतना इम्पैक्ट किया है दैट ही हैज डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम मूवीज। Well, this is quite sad and we really hope whatever Aamir chooses to do next, it turns out to be lucky for him. मेरी मम्मी कहती थी कि जिंदगी गोलगप्पे जैसी होती है, पेट पले ही भर जावे, मन नहीं भरता। Number 2, अक्षय कुमार। बॉलीवुड के सबसे कंसिस्टेंट एक्टर्स में से एक अक्षय कुमार की फिल्म्स यूजुअली टिकट विंडोज पर ऑडियंस को अट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल होती है। 2022 में उनकी सारी रिलीजेस फ्रॉम बच्चन पांडे टू राम सेतु बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रगल करती नजर आई। इनफैक्ट इस ईयर भी उनकी फिल्म सेल्फी का बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर था।
इस रफ पैच के बाद उनकी नेक्स्ट रिलीजेस लाइक गोरखा, बड़े मियां छोटे मियां से ऑडियंस और ट्रेड एनालिस्ट को बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। लेट्स सी इन फिल्म्स का ऑडियंस के बीच कैसा रिस्पांस रहता है। क्या नाम है तेरी फिल्म का? सर छोटे मियां। yeah! आपका? बड़े मियां। साथ में आएगा? नंबर वन सलमान खान। अगर कोई स्टार है जिसने लास्ट डेकेड को रूल किया है इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफिस, देन इट वाज सलमान खान। उन्होंने हर साल एक के बाद एक हिट फिल्म देकर बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड्स तोड़े थे। हाउएवर नाउ द सिचुएशन हैज चेंज्ड ड्रामेटिकली। उनकी लास्ट फोर फिल्म्स फ्लॉप रही हैं एंड ही इज डेस्परेटली लुकिंग फॉर अ हिट फिल्म। टीम सोशल फील्स हिज अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 कैन बी अ गेम चेंजर फॉर हिम। जिस तरह से पठान ने शाहरुख खान को ऑडियंस में फिर से रेलेवेंट किया, उसी तरह से टाइगर 3 सलमान के करियर का ग्राफ चेंज कर सकती है। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? Ready? Tiger always ready. तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।